मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पनीर पोटली। ये बहुत ही बढ़िया स्नैक्स है। हम इसको किसी भी पार्टी मेंबर के लिए बना सकते हैं, चाहे वो बर्थडे पार्टीज हो, चाहे वो घर में गेट टुगेदर हो। बहुत ही टेस्टी स्नैक्स बनती है, छोटे बड़े बहुत ही खुश होकर इसको खाते हैं। आइए देखते हैं इसमें हमें बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। पनीर पोटली बनाने के लिए हमें चाहिए है प्याज, शिमला मिर्च, गाजर, पनीर, टमाटो सॉस, रिफाइंड ऑयल, नमक, मैदा और चिली सॉस। आइए अब हम बनाना शुरू करते हैं अपनी पनीर पोटली। पनीर पोटली बनाने के लिए हमने एक कटोरी मैदा लिया है, ये हम अपने बोल में डाल लेंगे। इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, मैंने चुटकी भर नमक डाला है इसमें, रिफाइंड ऑयल डालेंगे तकरीबन 1.5 चम्मच और इसका हम आटा गूंद लेंगे। हमने जो है इसका आटा कोसे पानी से गूंदा है, ये हमने पानी को गर्म कर लिया है। पहले हम इसको मिक्स कर लेंगे, जो हमने अपने मैदे में रिफाइंड ऑयल डाला है उसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देख सकते हैं हमने रिफाइंड ऑयल अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम धीरे धीरे जो है इसमें पानी डालेंगे। पानी हमने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालना है, नहीं तो हमारा आटा जो है पतला हो सकता है। हमने इसका जो है टाइट डो बनाना है। थोड़ा पानी और डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। डो हमारा बंद करके तैयार हो चुका है, इसको हम ढक कर के 20 से 25 मिनट तक रख देंगे। जितनी देर हमारा आटा सेट होगा उतनी देर हम अपनी फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। फिलिंग बनाने के लिए हमने पैन को गर्म कर लिया है, इसमें हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल तकरीबन 1 चम्मच और इसमें डाल लेंगे हम कटे हुए अपने प्याज। एक प्याज छोटा हमने लिया है, इसको हमने बारीक बारीक काट लिया है। इसको हम हल्का सॉटे करेंगे। प्याज हमारा सॉटे हो गया है, इसको हमने 1 मिनट लगाया है, 1 मिनट लगा है हमें प्याज को सॉटे करने में। अब इसमें हम डालेंगे एक कटी हुई शिमला मिर्च, हमने बारीक बारीक धो कर के इसको काट लिया है, और एक छोटा पीस हमने गाजर का लिया, उसको छीला धोया और उसको भी बारीक बारीक हमने इस तरह से काट लिया है। ये भी हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से हिलाएंगे। इसमें हम डालेंगे नमक, 1/3 स्पून नमक का हमने इसमें डाल लेना है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। एक मिनट तक हमने इसको सॉटे करना है। 1 मिनट हो चुका है, हमने अपनी सारी सब्जियों को सॉटे कर लिया है। इसमें हम डालेंगे अब पनीर, एक बड़ा पीस हमने पनीर का लिया, उसको हमने कद्दूकस कर दिया। अब इसमें हम ये डाल देते हैं और इसको अच्छे से हिला के मिक्स कर लेंगे। इसमें अब हम डालेंगे चिली सॉस, रेड वाली चिली सॉस हम लेंगे और इसमें 1 चम्मच भरकर हम डाल देंगे। आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। टमाटो सॉस डालेंगे इसमें 1 चम्मच और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस को हमने हल्का रखना है, हल्की गैस में हम इसको मिक्स करेंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा वाइट पेपर तकरीबन 1/3 स्पून। अगर आप ज़्यादा मिर्ची खाते हैं आप ज़्यादा डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है वाइट पेपर। आप ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं, यानी कि काली मिर्च। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस को नीचे से बंद कर देंगे। फिलिंग को हम ठंडा करने देंगे, उतनी देर हम अपने जो हमने डो बनाया था उसको देख लेते हैं। डो हमारा सेट हो चुका है, 20 से 25 मिनट इसको हमें रखे हुए हो गया है। अब हम इसको एक बार मसल लेंगे। और इसका पेड़ा बना लेंगे।
इसको हमने बेल लेना है। पतला हम इसको बेल लेंगे, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करेंगे। अब देख सकते हैं इस तरह से हमने इसको बेल लेना है। ये कुछ इतना हमने मोटा इसको रखना है। अब हम इसको एक कटोरी की हेल्प से काट लेंगे। और इसको निकाल लेंगे। इसको हम थोड़ा और बेलेंगे। इसी तरह हम बाकी के भी अपने बेल लेंगे। फिलिंग हमारी ठंडी हो चुकी है और डो से हमने ये छोटी छोटी जो है पूरी पूरी जैसा हमने ये जो है बना लिया है। इसके अंदर अब हम फिलिंग करेंगे। इसमें डालेंगे हम ये अपनी जो फिलिंग हमने बनाई है पनीर की। इसको हमने इस तरह से मोड़ते हुए ऐसे हमने इसको टर्न देना है और इस तरह से अपनी पोटली बंद कर देनी है। ये हमने पोटली बना ली है, इसको रख देंगे और इसी तरह से हम बाकी की भी अपनी फिलिंग करके बना देंगे। बहुत ही इजी है बनानी, आपने देखा बहुत ही आसानी से ये इस तरह से बन जाती है। ये देखिए हल्का सा मोड़ेंगे ऐसे और ये अपनी पोटली बना लेंगे। सारी हमने इसी तरह से बना करके रख लेनी है। पोटली हमारी बनकर तैयार है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। रिफाइंड ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, हमने बिल्कुल इसको हल्के सेक पे बनाना है। ये हम इसमें डाल देंगे अपनी ये पोटली आराम से, बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे हम इसको बनाएंगे। और गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारी ये एक साइड से हल्की हल्की ब्राउन होने लगी है। हम इसको साइड से मोड़ लेंगे ताकि हर तरफ से एक जैसी बराबर की गोल्डन ब्राउन हो जाए। आप देख सकते हैं हमारी जो ये पोटली हम बना रहे हैं फ्राई कर रहे हैं ये गोल्डन ब्राउन हो गई है काफ़ी। गैस को अब हम तेज़ कर लेंगे। अब हम इसको तेज़ गैस पे बनाएंगे। थोड़ा सा हमने इसको गोल्डन ब्राउन और कर लेना है। हम एक मिनट के लिए इसको और फ्राई करेंगे, हिलाते रहेंगे बीच बीच में ताकि सारे तरफ से ये बराबर की गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये स्नैक बहुत इजी है बनाने, इसको हम पहले से बना करके रख सकते हैं। अगर हमारे घर में OTG है तो हम बनाने के बाद इसको OTG में गर्म कर सकते हैं। तो हमारे घर में अगर पार्टी हो तो हम इसको जो है या तो हम सेमी फ्राई कर लें, हाफ फ्राई करके इसको रख सकते हैं। बहुत ही इजीली जो है ये रेडी हो जाती है। बहुत ही बढ़िया गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, इसको अब हम निकाल लेंगे। गैस को बंद कर देंगे और इसको सर्व करेंगे। सर्विंग प्लेटर में हमने जो है धनिए की पत्तियां ऐसे लंबी लंबी काट करके ऐसे इसको लगा दिया है नीचे। इसके ऊपर अब हम जो है अपने लगाएंगे ये अपने पनीर पोटली। ये आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया बनी है। इसको हम टोमेटो केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, किसी भी डिप के साथ खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे ज़रूर मेरी रेसिपी से बनाएं, ट्राई करें। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।